कूटगढ़ एक सुंदर घाटी है जो पर्वत श्रृंखला का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। ये भारत का एप्पल बोल है। सतलुज नदी और बर्फ से ढकी हिमालय श्रृंखला के बीच बसा कूटगढ़ अपने सेब और चेरी के बागों के लिए प्रसिद्ध है। यह पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कूटगढ़ शिमला शहर से 82 किलोमीटर दूर है और राष्ट्रीय राजमार्ग से 16 किलोमीटर दूर। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की कुम्हारसैंण तहसील में स्थित कूटगढ़ में कुल 194 परिवार रहते हैं। यहां का निकटतम शहर नारकंडा है जो लगभग 16 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई और रेल संपर्क में शिमला है। 2011 की जनगणना के अनुसार कूटगढ़ गांव की जनसंख्या 608 है, जिसमें 290 पुरुष हैं जबकि 318 महिलाएं हैं। कूटगढ़ गांव की साक्षरता दर 89.77% है। यहां 3 सरकारी स्कूल और 1 निजी स्कूल है, लेकिन कोई कॉलेज नहीं है। अधिकांश पुरुष बागवानी किसान हैं, जो सेब और चेरी के पेड़ों और अपने सब्जी खेतों की ओर रुख करते हैं। महिलाएं आमतौर पर घर पर ही रहती हैं और घर का काम करती हैं, और वे मवेशियों की देखभाल भी करती हैं। यहां सभी पक्के घर हैं जिनमें बिजली, शौचालय, गैस आदि की सुविधा है। गांव में एक सरकारी अस्पताल और एक डॉक्टर और एक नर्स के साथ एक डिस्पेंसरी है, लेकिन ज्यादातर इलाज के लिए लोगों को शिमला जाना पड़ता है। कूटगढ़ विविध संस्कृतियों के साथ संपन्न है, जिसमें विशिष्ट सामाजिक रीति रिवाज, भाषाएं, संगीत और वास्तुकला है। पहनावे से लेकर जीवन के उत्सव तक इस जगह की गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। यहां एक स्थानीय पारंपरिक पहाड़ी बाजा है, जातर, जो विवाह और मेलों जैसे सभी उत्सवों के अवसरों की शोभा बढ़ाता है। कूटगढ़ में अलग अलग मौसमों के स्वागत के लिए घाटी में अलग अलग त्योहार और मेलों का आयोजन किया जाता है। बहुत सारी मस्ती की जाती है और एक अर्ध गोले में नाटी नृत्य किया जाता है। यहाँ के लोकप्रिय मेलों में होली के दिन का मेला फाग, ढाडा थिरशु, लवी मेला और थारू का थिरशु शामिल हैं। हिमाचल के लोग लाल मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी जैसे बहुत सारे मसालों का सेवन करते हैं और सिद्धू जैसे स्थानीय व्यंजन काफी लोकप्रिय हैं। कूटगढ़ में एक अमेरिकी मिशनरी सत्यानंद स्टोक्स ने सबसे पहले घर से लाए गए सेब के बीज बोए थे और हिमाचल में सेब की खेती क्रांति की शुरुआत की थी। सत्यानंद स्टोक्स के वंशज आज भी कूटगढ़ में रहते हैं। सत्यानंद स्टोक्स ने 1916 में क्षेत्र का पहला कमर्शियल एप्पल गार्डन लगाया, जिसमें लुइजियाना के प्रसिद्ध स्टार्क एप्पल नर्सरी प्रोडक्ट से इंपोर्टेड प्लांट्स लगाए। उन्होंने लोकल फार्म्स को अपने खेतों में सेब उगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। बेसिकली यहाँ की मेन इकोनॉमी तो अपने अपने एप्पल के साथ साथ लोगों ने अभी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन में सबसे पहले स्टोन फ्रूट्स में भी, तो इकोनॉमी को अपने और इनरिच करने के लिए लोग जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें नए नए हॉर्टिकल्चर में जितने भी नई नई चीजें आ रही है उसके लिए जा रहे हैं। वर्ष 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं की हार के बाद कूटगढ़ एक ब्रिटिश क्षेत्र बन गया। आप यहां ब्रिटिश शासन के प्रभाव को देख सकते हैं। कूटगढ़ में 1872 में बना सेंट मैरी चर्च है, जिसकी गॉथिक शैली के डिजाइन के साथ डिजाइन किया गया ग्लास पैनल है। हमारे यहाँ पे एक तानुजुबर लेक है। तानुजुबर लेक में नाग मंदिर है जो यहाँ के कुल देवता है, और उसके साथ ही ये झील बनी हुई है, नेचुरल झील है जहाँ से पानी वहीं से निकलता है, और उसके आसपास फॉरेस्ट ने भी अपने एक बहुत बढ़िया अपने देवदार का अपने जंगल तैयार कर दिया, फॉरेस्ट तैयार कर दिया हुआ है, और जहाँ पे शायद इको टूरिज्म के लिए भी अपने काफ़ी स्कोप है। और हमारा भी गवर्नमेंट से भी यही रहेगा कि भी जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वहाँ टूरिस्ट आते हैं, अब जो भी आपने नारकंडा या सराउंडिंग जहाँ भी टूरिस्ट आता है तो वो ज़रूर उस झील के भी अपने एक बार आते हैं। तो हम चाहते हैं कि भी ये इस झील के बारे में भी कुछ ना कुछ अपने इसकी रख रखाव के लिए या इसके साथ के लिए थोड़ा डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म के लिए भी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए और थोड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए।
कोविड के चलते कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाए हैं, प्रभावित हुए काफ़ी हमारे विकास कार्य, फिर भी जो गवर्नमेंट की स्कीमें थी वो हमने धरातल पे उतारी जितनी भी थी, जैसे लाइट्स वगैरह थी कुछ जो 14 वीत की आई थी वो भी हमने लगवाई है, सोलर लाइट्स और मनरेगा के जो काम है वो भी चल रहे हैं, जैसे रास्ते हैं, मैंने ये टेम्पल ब्यूटिफिकेशन का होता है। आज सीढ़ीदार खेतों के बीच यहाँ विशाल एप्पल गार्डन्स और फार्म हाउस है। यहाँ जंगलों और सेब के बागों के बीच से बस पैदल की दूरी है। नारकंडा से कोटगढ़ की ओर एक घना आरक्षित वन है जिसमें देवदार, ओक, मोरू, राई के पेड़ हैं। इन वनों में कई वन्य जीव भी पाए जाते हैं जिनमें शामिल हैं चित्तीदार तेंदुए, हिमालयी लोमड़ी, काला भालू और जंगल फाउल आदि। कोटगढ़ के आसपास सैर सपाटे और ट्रेकिंग के भी कई विकल्प मौजूद हैं। तो आप भी आइए हिमालय की गोद में बसे कोटगढ़ और जिंदगी में कुछ अलग अनुभव कीजिए।